भाई बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और पेरीमैग्नेटिज्म। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, या हम इसको एंटी फेरोमैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को जो ये शो करते हैं कुछ पदार्थ। अब देखिए इसको कहते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रति का मतलब जो लगाते हैं हम के वो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, विपरीत होता है किसका? लोह चुंबकत्व का। ठीक, और उल्टा का मतलब ये हुआ कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं और ये बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं, जो एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो अपोजिट हो गया, विपरीत हो गया कि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक, तो इसमें ऐसा क्या होता है इन पदार्थों में कि ये उससे प्रतिकर्षित होते हैं? तो देखिए इसमें इनमें क्या होता है कि जो डोमेन्स की जो संरचना है वो तो उसी तरह से है। और डोमेन कैसे बनता है आपको पता ही है कि डोमेन कैसे बनता है कि बहुत सारे कितना कि 10^11 जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं और उन सभी परमाणुओं के जो चुंबकीय आघूर्ण हैं वो एक ही दिशा में होंगे। समझ में आ गया? तो मान लीजिए इतने परमाणु हैं, उनकी एक अलग दिशा है लेकिन एक है, और इससे अलग इतने ही परमाणु हैं। ठीक, मान लीजिए इतने परमाणु लेते हैं हम इसमें, जैसे ये मैं एक डोमेन बना रहा हूं, तो मैंने यहां पर एक डोमेन बनाया, तो इनकी दिशा डायरेक्शन क्या है? जो चुंबकीय आघूर्ण है, इतने परमाणु हैं, इनकी चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन क्या है? ये बहुत ज्यादा होते हैं, ये जो नंबर है, ये जो संख्या है बहुत ज्यादा है। ठीक, इनकी दिशा क्या है? सीधा इधर है। ठीक, एक ही उसमें है। समझ में आ गया? मैंने एक एग्जाम्पल से और बताया था, बटालियन या रेजिमेंट का उदाहरण लेकर, आर्मी में बहुत ज्यादा जवान होते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन वो एक रेजिमेंट एक ही डायरेक्शन में एक ही ऑर्डर फॉलो करती है। क्लियर? तो एक डोमेन ये हो गया, इनके सबके मैग्नेटिक मोमेंट ये है। और दूसरा अगर डोमेन बनाता हूं, हजारों लाखों डोमेन होते हैं, और डोमेन क्या है? वो परमाणुओं का समूह होते हैं जिनके जो चुंबकीय आघूर्ण है एक ही दिशा में होते हैं। ठीक, तो इसका इस डायरेक्शन में हो गया। दूसरा अगर मैं डोमेन बनाता हूं, तो मान लीजिए ये एक डोमेन है, इसकी डायरेक्शन क्या है? वो ये है। समझ में आ गया? ठीक, आखिर कुछ तो अंतर होगा उसमें और उसमें। तो ये हो गया दूसरा डोमेन। इसी तरह से बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। तो डोमेन की जो संरचना है वो परमाणुओं से मिलकर बनती है, या परमाणु जो आयन है उनसे मिलकर बनती है। ठीक, अब जैसे फेरोमैग्नेटिक में होते हैं डोमेन, ऐसे ही बिल्कुल इसमें होते हैं। ठीक, तो परंतु बाह्य चुंबकीय, अब होता क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा हुआ, तो जितने भी डोमेन्स होंगे, मान लीजिए अब यहां पे मैं डोमेन्स बना रहा हूं, ठीक, तो डोमेन्स की जो आकृति है, जो उनका अरेंजमेंट है कि कोई डोमेन इस डायरेक्शन में है, ठीक, समझ में आ गया, कोई इस डायरेक्शन में है, क्लियर, किसी की डायरेक्शन इधर है, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो डोमेनों की जो आकृति है, वो डायरेक्शन है, वो क्या है? वो रैंडमली है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है वो। ठीक, ये ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? यानी कोई भी यहां अरेंजमेंट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है डोमेन्स। ठीक, एक डोमेन इतने परमाणुओं से या आयनों से मिलकर बना है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो जीरो होता है चुंबकीय क्षेत्र में आने से पहले, जब तक हम नहीं लगा रहे एक दूसरे को, ये कैंसिल कर रहे हैं। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, इसकी बात कर रहे हैं हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की, तो कैंसिल क्यों होता है? अब आपका बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं वही सही है कि जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, हम इसको यहां से रफ कर देते हैं, डोमेन समझा दिए हमने, यह मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हमने लगाया, ठीक, तो डोमेन्स क्या करेंगे इसमें कि
एक इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ये एक डोमेन हो गया, ठीक समझ में आ गया। या इसको आप ऐसे दिखा सकते हो सीधा सीधा ऐसे, ये एक डोमेन हो गया, क्लियर। और इसके बाद ये दूसरा डोमेन हो गया, अब देखिए, ये दूसरा डोमेन हो गया और ये तीसरा हो गया, बहुत सारे होंगे। अब इसमें सिमिलरिटी आपको क्या दिखाई दे रही है, एक निश्चित कि इसकी डायरेक्शन ये है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख रहा हूं इसको, इसको देख लेना, एक्सटर्नल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही हमने रखा तो अपने आप को किस तरह से उन्होंने कर लिया, यानी डोमेन्स के जो चुंबकीय आघूर्ण हैं वो किस डायरेक्शन में, एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये कैंसिल कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, ठीक है। और भी बना सकते हो आप, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है, इसकी डायरेक्शन फिर से इधर है, तो इसकी डायरेक्शन, यानी इसका कैंसिल कर रहा है ये, इसका कैंसिल कर रहा है ये, एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, ठीक। तो उसमें अब जो यहां पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और इसको थोड़ा सा और सम्मान दीजिए, जीरो को भी हम थोड़ा सा रेस्पेक्ट देते हुए बोर मैग्नेटोन इसकी यूनिट लिख दी हमने, समझ में आ गया। तो क्या हुआ, जब आपस में ही इनमें लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, रिपेल होगा, क्या होगा, रिपेल, प्रतिकर्षित होगा, स्ट्रॉन्गली रिपेल, प्रतिकर्षित होगा। कहीं दो पक्षों में लड़ाई चल रही है आपस में, वो एक एक की पावर दूसरे के बिल्कुल क्या विपरीत है, ठीक, यानी विपरीत का मतलब ये हुआ कि दोनों यहां पे समान ताकत के हैं दोनों, ठीक, और दोनों एक दूसरे पे दम लगा रहे हैं। तीसरा पक्ष अगर कोई जाता है तो क्या होगा, कि वो प्रतिकर्षित होगा उससे, ठीक, आसानी से शांति नहीं होगी उस कंडीशन में। तो यहां पर भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे, रिपेल होंगे, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करें, क्लियर। तो बच्चों ये आपका, जबकि लौह चुंबकीय में क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होते हैं, और सबकी डायरेक्शन क्या होती है, एक तरफ होती है, सबकी डायरेक्शन क्या होती है, एक तरफ होती है, सबकी दिशा एक ही तरफ होती है, समझ में आ गया। तो यहां पर इसको हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ठीक, उदाहरण इसके, जैसे कि आपका MnO है, मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO2 है, और Mn2O है, और Fe2O3 है। ये जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, इसके एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, ठीक है। और एक चीज और है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं हम, क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, ताप है, जिससे ऊपर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक में होने लगता है, चेंज हो जाएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि इनका एक दिशा में थोड़ा थोड़ा चुंबकत्व उत्पन्न हो जाए, समझ में आ गया। तो ये इसको बच्चों रिवाइज कर लेना। इसके बाद आता है आपका पेरीमैग्नेटिज्म, पेरीमैग्नेटिज्म, ठीक। तो पेरीमैग्नेटिज्म क्या है, पेरीमैग्नेटिज्म देखिए, पेरी मैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं इंग्लिश, उसमें भी हिंदी में भी इसको फेरी चुंबकत्व तो बोलेंगे, फेरी चुंबकत्व, ठीक है। तो इसको आप फेरी चुंबकत्व, ठीक, देखो दोनों भाषाओं का ज्ञान हो रहा है, इंग्लिश भी हिंदी भी, ठीक। पेरी चुंबकत्व तो क्या है, कि यहां पर जो होता है चुंबकत्व तो है, मैग्नेटिज्म तो है, जीरो नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में, डोमेन्स की जो संरचना है वो भी ऐसी ही रहेगी जैसे पहले थी, डोमेन्स की संरचना, ठीक है। बस अंतर क्या है, जैसे ही मान लीजिए डोमेन मैग्नेटिक फील्ड लगाया हमने, तो पहले तो ऐसे ही रहेंगे सब, अस्त व्यस्त रहेंगे, कोई कहीं डोमेन, ठीक। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए ये है, ये
ये है, और क्या है ये? एक्सटर्नल बाह्य मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो जो डोमेन्स हैं इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि एक ऊपर है इस टाइप से। अब देखना, खुद ही बताना, जीरो नहीं होगा मैग्नेटिक मूवमेंट, इसमें अट्रैक्ट होगा ही ठीक, लेकिन लौह चुंबकत्व यानी फेरो मैग्नेटिज्म से कम होगा। ये हो गया। अब लेकिन कुछ हद तक कुछ कैंसिल भी करेंगे। देखिए यहां पर दो की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। एक की क्या है? नीचे। तो कैंसिल हो रहे हैं, इसने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन ये तो बचा, तो ये तो दिखाएगा, ये तो अट्रैक्ट होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो ये है ठीक। अब देखिए ऊपर, देखिए यहां पर ये हो गया, फिर से ऊपर की तरफ है ऐसे, और ये कैंसिल हो रहा है। यानी कि अब इसको समझिए कि इसने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी ये इसकी डायरेक्शन तो ऊपर ही है, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो इस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं कि चुंबकत्व जो है, जो मैग्नेटिज्म है, वो जीरो नहीं होता, कैंसिल नहीं कर पाते हैं, और यहां पर नॉट इज इक्वल टू जीरो ठीक। तो ये अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है चुंबकीय क्षेत्र में। क्या होते हैं ये? चुंबकीय क्षेत्र में, बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित होते हैं, लेकिन किससे? लौह चुंबकत्व से कम, लौह चुंबकीय पदार्थों से, फेरोमैग्नेटिक से कम। सबसे ज्यादा कौन आकर्षित होते हैं? फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सबसे। समझ में आ गया? तो यहां पर और एक चीज और है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दें हम ठीक, तो ये इनका जो अलाइनमेंट है वो कम हो जाएगा, इधर उधर भागने लगेंगे ठीक। तो जो कुछ भी इसकी वजह से था, ये भी इधर उधर हो जाएगा, तो ये पेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस से किस में चेंज हो जाएंगे? पैरा मैग्नेटिक, अनुचुंबकीय में ठीक है। तो सबसे कम आकर्षण बल कौन फील करता है चुंबकीय क्षेत्र से? पैरा मैग्नेटिक। फिर उसके बाद कौन? पेरी। उसके बाद पैरो। समझ में आ गया? तो क्यूरी किस टेम्परेचर से ऊपर ये चेंज हो जाएंगे ठीक। तो अगर हम बात करें कि पेरी मैग्नेटिक चेंज हो जाते हैं किससे? ऊपर टेम्परेचर पर ठीक। टीसी क्या है? क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर पे किसमें चेंज हो जाएंगे? पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक। समझ में आ गया? तो जिस ताप से ऊपर बढ़ाने, गर्म करने पर, वो किसमें चेंज हो जाए? पैरा में चेंज हो जाए, पैरामैग्नेटिक। अब देखिए, ये ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा था, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा कम बनेगा, अट्रैक्ट होगा लेकिन कम बनेगा, क्योंकि वो उतना अरेंजमेंट नहीं रहता है चुंबकीय क्षेत्र की ओर। समझ में आ गया? इसके एग्जाम्पल देखिए, जो एग्जाम्पल है इसके बहुत सारे, आप जैसे पैराइड्स हैं ठीक है, MgFe2O4 है, और भी हो सकता है, जैसे मैग्नीशियम फेराइट है, जिंक फेराइट, ZnFe2O4 ठीक, ये हैं। इसके अलावा मैग्नेटाइट है, इसका Fe3O4 ठीक है। समझ में आ गया? तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपके कि ये क्या होते हैं। सबसे ज्यादा जो चुंबकत्व वो फेरो का है, उसके बाद फेरी का है ठीक, उसके बाद पैरामैग्नेटिक है अनुचुंबकीय, उसके बाद जो बहुत ही कम एंटी फेरो मैग्नेटिज्म है ठीक, और जो स्ट्रॉन्गली रिपेल्ड होता है, प्रतिकर्षित होता है, और डायमैग्नेटिक, वो दुर्बल तरीके से क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है चुंबकीय क्षेत्र से। समझ में आ गया? तो और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का जो डिपेंड करता है कि चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालोगे किसी भी पदार्थ का, किसी भी परमाणु का, तो उसमें उपस्थित जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस पर निर्भर करता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र भी लिख लीजिए आप, क्या होगा इसका?
मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो है एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला, स्पिन ओनली फॉर्मूला। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन होते हैं, एक तो होता है इस तरह से ऑर्बिटल में घूमना, ठीक, एक होता है अपनी एक्सिस पर घूमना अर्थ की तरह, जैसे अर्थ अर्थ जो है हमारी गोल गोल ऐसे घूमती है और अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। तो यहां पर जो फॉर्मूला है ये किसको निकालने के लिए, केवल स्पिन को, कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे घूम रहा है तो स्पिन की वजह से, घूमने की वजह से, अपनी एक्सिस की वजह से, यानी चक्रण जो है उसका, उसकी वजह से जो घूमना है, उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है वो उसको निकालने का तरीका है ये, ठीक है। इसमें ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कक्षकीय गति का इसमें योगदान नहीं है, केवल स्पिन की वजह से जो हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण उसको निकालने का, ठीक है। तो यहां जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन्हें रख दोगे और निकाल दोगे, फॉर्मूला बहुत आसान है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन भी कराएंगे हम, ठीक है बच्चों। तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।